ये कहानी है सीतापुर के नागमन की। नागमन एक लकड़हारा था। सीतापुर में नागमन की खूब इज्जत थी। जंगलों और पहाड़ों से नागमन लकड़ियां काटकर अपने बेटे चंदन के साथ लकड़ियां बेचकर पैसे कमा लेता था। नागमन और चंदन दोनों हर सुबह जंगलों में चले जाया करते और खूब सारे दरख्त काटकर उन्हें बेचने का काम किया करते थे। इस जंगल में इतने सारे दरख्त हैं, लेकिन जब भी मैं घने जंगल की ओर जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी होने लगती है। वो तो पिताजी, आप बहुत ज्यादा डरपोक हैं, इसलिए आप मुझ जैसा शेर बनिए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बड़े आए खुद को शेर कहने वाले। अच्छा पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आज हम घने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटेंगे। आज पता चलेगा कि कौन है असली बाहुबली। अपने बेटे चंदन की बात सुनकर नागमन घने जंगलों की तरफ बढ़ चला। पूरे जंगल में शांति छाई हुई थी। चारों तरफ फाकताओं और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। घने जंगल की लकड़ियाँ और वहाँ के एक दरख्त देखकर चंदन ने कहा, पिताजी इतना घना जंगल, यहाँ आने का बहुत फायदा होने वाला है। जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नागमन और चंदन ने खूब सारी लकड़ियाँ काटी और अगले दिन शहर जाकर उन लकड़ियों को बेचने लगे। बड़ी मजबूत और अच्छी लकड़ियाँ आई हैं इस बार चंदन, ये सब तो बस भगवान की देन है। ये लो तुम्हारे पैसे। बढ़ई उन्हें पैसे दे देता है। उन पैसों से महीने भर का राशन और एक बड़ी सी अलमारी लेकर चंदन अपने घर जाता है। माँ ये देखिए, आपके लिए मैं एक अच्छी साड़ी लेकर आया हूँ, और ये अलमारी भी। आपको हमेशा कपड़े रखने में दिक्कत होती थी ना, इसलिए। अरे वाह बेटे, लेकिन ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? और ये साड़ी तो बहुत ही महंगी नजर आ रही है। मैं अब इसे पहन कर तीर्थ करने चली जाऊंगी। मैं अब हर रात पिताजी के साथ उस घने जंगल में जाऊंगा और उन लकड़ियों को बेचकर कई सारे पैसे कमाऊंगा और हमारी गरीबी के दिन चले जाएंगे। चंदन और नागमन दोनों ही बेहद खुश थे। हर रात उस घने जंगल में जाकर वो दोनों लकड़ियां काटा करते। चंदन की माता जी तीर्थ करने भी चली गई। वो दोनों लकड़ियां काटकर अपना घर बहुत अच्छे से चला रहे थे। कुछ वक्त बीत चुका था। चंदन और नागमन लकड़ियां काटने जंगल गए और एक दिन चंदन घने जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसे जंगल के दरख्त के पास लकड़ियों का इंद्रधनुष दिखाई दिया। ये क्या? ये तो लकड़ियां हैं, और इंद्रधनुष के आकार में कैसे? कितनी मजबूत लकड़ी लग रही है, इसे काट कर देखता हूँ। नहीं बेटा, उस पेड़ की तरफ मत जाओ, हो सकता है वहाँ कुछ हो, कोई चाल बिछा हो। जंगल के इस हिस्से में कोई नहीं आता, बस हम ही आते हैं। इस जंगल के बीच क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चंदन अपने पापा नागमन की बात नहीं सुनता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी इंद्रधनुष पर चलाता है, उसमें से एक बौने की रोने की आवाज आने लगती है। ओह, मुझे मत काटो, मत काटो मुझे। चंदन और नागमन लकड़ी के इंद्रधनुष को रोता देख बहुत डर जाते हैं। कौन हो तुम, और तुम लकड़ी के होकर बोल कैसे रहे हो? लोग और बच्चे मुझे प्यार से मामा कहकर पुकारते हैं। एक सांप के कारण मैं इस लकड़ी के इंद्रधनुष में कैद हूँ। कैसे सांप के कारण? हम कुछ समझे नहीं, कहना क्या चाहते हो? तुम्हें इस इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? हमें पूरे 6, सातवां रंग इसमें नहीं है। मैं सांप से तभी मुक्त हो सकता हूँ जब वो सातवां रंग इस लकड़ी पर कोई लगा देगा, जिससे मैं पूरे 7 रंगों का इंद्रधनुष बन जाऊंगा और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करूंगा। बस इतनी सी बात, हमारे घर पर बहुत लाल रंग है, वो लाकर हम तुम पर लगा देंगे, काम बन जाएगा। नहीं बेटा चंदन, हमें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए। चंदन नागमन की बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो घर से लाल रंग लेकर आता है और उस सातवें रंग के हिस्से में लाल रंग को लगा देता है।
बस अब ये हो गया। जैसे ही चंदन ने उस अधूरे इंद्रधनुष को रंगा, उसमें से एक धुआं निकला और उस लकड़ी के इंद्रधनुष में से एक बौना बाहर निकल कर आ गया, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? कृपया करके घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, बल्कि इस जंगल का मालिक हूँ। कई साल पहले मेरे बुरे कर्मों की वजह से वन देवता ने मुझे इस लकड़ी के इंद्रधनुष में कैद कर लिया था। तुम दोनों के गुणवान होने के कारण मैं आजाद हो गया। अब बस जल्दी से हमारी इच्छाएं पूरी कर दीजिए। जरूर, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन अगर तुमने इच्छाओं का गलत फायदा उठाया तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब हमें मंजूर है, अब से तुम इन जंगलों में से पेड़ या पौधे काट कर नहीं ले जा सकते। ये वन जानवरों की अमानत है। मेरी पहली इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दो हम शक्ल बन जाए जो मेरी सेवा करे। उस बौने ने अपनी दिव्य शक्तियों से चंदन को वरदान दे दिया, जो कि बिल्कुल हूबहू चंदन की तरह दिखता था। मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाकर खूब सारे अच्छे अच्छे पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ। चंदन का एक सहायक वहाँ चंदन के घर पर जाकर खाना और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगा। तब तक चंदन ने अपने दूसरे सहायक से कहा, तुम जाकर मेरे लिए बाजार से आभूषण और कीमती हीरे सोने ले आओ। चंदन की बात सुनकर दूसरा सहायक भी वहाँ से बाजार सोने हीरे जैसे आभूषण लाने चला गया। मांगो नागमन, तुम्हारी क्या मांग है? मैं उसे भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुखी, तंदुरुस्त और खुश रहे। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या पिताजी, आप मांगा भी तो आपने क्या मांगा? मुझे देखिए, घर जाते ही मैं स्वादिष्ट व्यंजन और हीरे लूटूंगा। बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर बौना मामा वहाँ से गायब हो गए। ये लीजिए महाराज, लजीज खाना, इसे खा लीजिए। लाओ लाओ, सब सामने रख दो। ये लीजिए महाराज, आपके हीरे और सोने के आभूषण। बेटा, ये सब उचित नहीं है। हम लकड़ियों के व्यापार में ही ठीक थे, अब ये सब इतना कुछ पाकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुछ हासिल नहीं किया। उस लकड़ी के इंद्रधनुष से अब हमारे पास सब कुछ है। चंदन और नागमन बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर पुलिस की पूरी फोर्स आ गई और आकर उनसे कहने लगी, ले चलो इसे, इसने ही कहने और राशन चुराए है। देखो कैसे खाना खा रहा है, दूसरों का घर और दुकान लूट कर। यह आप सब क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हमने देखा तुम बाजार से सबके जेवर और गहने चुरा रहे थे, अब कह रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वालों को देखकर चंदन बेहद डर जाता है और अपने दोनों सहायकों से पूछता है, तुम दोनों ने चोरी की? बाजार से गहने और राशन चुरा कर मुझे दिया? महाराज, हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। देखो, मैंने तुमसे कहा था पंगा मत लो, पंगा मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखो, भुगतो, ये तो होना ही था। आपकी सारी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। पुलिस वाले उन दोनों सहायकों से उस वक्त नहीं देख पा रहे थे और तब उस हवलदार ने कहा, तुम ये किससे बात कर रहे हो? चलो हमारे साथ। साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैंने सच में चोरी नहीं की, आप मेरी समस्या नहीं समझ रहे हो। पुलिस वाला चंदन की एक भी बात नहीं सुनता। चंदन जेल में अपनी सजा काट रहा था। प्लीज पिताजी, मेरी मदद कीजिए। अपने बेटे को जेल में देखकर नागमन बहुत रुआंसा हो जाता है और उसी घने जंगल में दोबारा जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक बड़ा सा इंद्रधनुष बड़ी सुंदर तरीके से वहीं खड़ा है। हे इंद्रधनुष, आपने मेरा वरदान पूरा नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि मेरा परिवार सुखी और तंदुरुस्त रहे। जैसे ही नागमन ने इतना कहा, वहाँ पर फिर से बौना मामा प्रकट हो गए। मैंने भी आग्रह किया था छल कपट जैसी कोई चीज ना करना,
लेकिन तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है कि चंदन अपने संकट से छूट जाएगा और दोबारा अपना साधारण जीवन जीने लगेगा। तुम चिंता ना करो और अपने घर जाओ। धन्यवाद, मैं आपकी ये कृपा जीवन भर नहीं भूलूंगा। नागमन भागा भागा अपने घर आया और देखा कि सब कुछ पहले जैसे हो चुका है। चंदन अपनी माँ को तीर्थ यात्रा भेजने की तैयारी कर रहा था। ये साड़ी तो बेहद खूबसूरत है, मैं इसे पहनकर तीर्थ करने जाऊंगी। हाँ माँ, अब हमारे पास हर एक चीज बहुत है। कल से घने जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं छोटे मोटे काम करके ही अपना घर चला लूंगा। उन दोनों की बात नागमन सुनकर सोच रहा था। इसका मतलब उस जादुई लकड़ी के इंद्रधनुष ने हमें कुछ समय पीछे कर दिया था। चंदन को कुछ भी याद नहीं और उसका स्वभाव भी बहुत बदल चुका है। जय हो प्रभु। चंदन अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बिताने लगा और नागमन अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।